नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस विद अंकित में। दोस्तों, हाजिर हूं एक अपडेट के साथ। अपडेट आप क्लियरली देख रहे हैं, ईसीआर डिवीज़न से आई है। इस बार आरआरबी जेई के कैंडिडेट का डिवीज़न अलॉट किया गया है। डिवीज़न अलॉटमेंट लिस्ट देखते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के। हम स्टेप बाई स्टेप चलते हैं कैसे जाना है वहाँ तक, ऑलवेज की तरह। चूँकि ईसीआर वेबसाइट की है तो ईसीआर पे आते हैं। हर बार मैं बोलता हूँ आपको डिवीज़न में जाने के लिए, बट ये डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया इसलिए हमें इसी वेबसाइट के पर्सनल डिपार्टमेंट में जाना होगा। यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नोटिफिकेशन को। आप सबसे ऊपर में देखिए, तीन आपको दिखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ 34 कैंडिडेट्स, 142 कैंडिडेट्स एंड 233 कैंडिडेट्स। तो आज के डेट में जो अलॉट किया गया है ये किया गया है। ये दोनों के बारे में मैं पहले ही अपने चैनल पर अपडेट कर चुका हूँ, तो ओपन कर लेते हैं इसको। ये पहले से ही डाउनलोडेड है, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, देखते हैं। जैसा कि मैं पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि ईसीआर जोन में पांच डिवीज़न आते हैं। कौन कौन से? धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय। तो आप देखिए, आप यहाँ पे आप मिला सकते हैं अपना रोल नंबर, बोर्ड यहाँ पर मैंसन है, फादर्स नेम मेंशन है और कम्युनिटी मेंशन है, और डिवीज़न जो अलॉटेड किया गया है वो यहाँ मेंशन है। आप देख सकते हैं यहाँ धनबाद डिवीज़न है, नीचे जाइएगा और तो आपको डीडीयू मिल जाएगा मुगलसराय, नीचे दानापुर है, देन सोनपुर है और देन समस्तीपुर है। तो आप अपना इसमें रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम मैच कर लीजिएगा। जिनका भी हुआ हो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और कमेंट में मेंशन करके बताएं किनका हुआ है। अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग लेटर के डिस्पैच की। तो अभी से आप 15+5 डेज रख सकते हैं आप तक ज्वाइनिंग लेटर पहुंचने में। जैसे ही डिस्पैच होगा मैं आपको विथ स्पीड पोस्ट नंबर अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा सारा वेबसाइट से निकाल कर। तो आप निश्चिंत रहें और वेट करें। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, ऐसे ही अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे हम किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें सक्सेस विद अंकित को। मिलते हैं फिर किसी अनदर सेशन में, तब तक के लिए See you, bye-bye.